बाजार आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अमेजन में अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बना के 75 रुपये का कैशबैक यानी 75 रुपीज़ का आप कैशबैक ले सकते हैं, या फिर अगर आप रिचार्ज करते हैं जियो का मिनिमम 149 रुपीज़ यानी कि 149 रुपये रिचार्ज करते हैं, तो उस रिचार्ज प्लान को यानी 149 रुपये का जो रिचार्ज प्लान है उस रिचार्ज प्लान को आप ले सकते हैं। सिर्फ 49 रुपये में आपको वहाँ पर उस प्लान के लिए आपको देने पड़ेंगे। तो इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ, बहुत से लोगों को इस ऑफर के बारे में पता होगा, बहुत सारे लोगों को इस बारे में ऑफर में नहीं पता होगा, या फिर अगर आपने ऑलरेडी इस ऑफर को अप्लाई कर चुका है तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप दोबारा इस ऑफर को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने पहले आप सभी से छोटी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो रेड कलर का बटन है वहां पे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑन कर देना, और इस वीडियो को एंड में अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस वीडियो का जो टाइटल है, जिसे आप इस वीडियो का जो टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको फर्स्ट में ही अमेजन डाउनलोड का एक लिंक मिलेगा, जिसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। जैसे डाउनलोड कर लेंगे तो ओपन करेंगे एप्लीकेशन को, अमेजन को ओपन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, वहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑलरेडी कस्टमर, क्रिएट न्यू अकाउंट। तो जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ क्लिक करने के बाद आपसे वहाँ पे मांगा जाएगा मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल एड्रेस, आपको वहाँ पे पासवर्ड सेट करने को बोला जाएगा। तो जैसे ही आप पासवर्ड सेट करेंगे उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको मोबाइल नंबर जो होगा उस पर OTP आएगा, और जैसे ही आप OTP डाल कर कन्फर्म करेंगे फिर आप अमेजन को एप्लीकेशन को ओपन करके 3 डॉट में क्लिक करेंगे तो आपको जाना है अमेजन पे में। तो जैसे ही आप अमेजन पे में जाएंगे तो आपको वहाँ पे अमेजन पे UPI में जाके, जैसे आप फोन पे गूगल पे में वेरीफाई करते हैं अपने अकाउंट को UPI से, आपको वेरीफाई करके पिन सेट कर लेना है, और पिन सेट करने को जैसे आप अमेजन पे ऑफर्स में जाएंगे ऑफर सेक्शन में तो आपको दो ऑफर्स देखने को मिलेगा, मिनिमम आपको जो कि 100 रुपये अपने किसी फ्रेंड को अमेजन UPI से सेंड करना है, और दूसरा होगा कि आप जो कि 149 रुपये का जियो का रिचार्ज करते हैं तो आपको वहाँ पे मिलेगा 25 रुपये का कैशबैक। तो आपको करना क्या, अकाउंट क्रिएट करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो कि आपको उस ऑफर को कलेक्ट कर लेना है। दोनों ऑफर को कलेक्ट करने के बाद आपको जो कि अमेजन UPI से मिनिमम आपको 100 रुपये अपने दोस्तों को किसी के पास सेंड कर देना है। तो जैसे ही आप सेंड करेंगे तो आपके सामने वहाँ पे एक मैसेज आएगा, या फिर जो कि आपका जो कुछ ऑफर जो है कि सक्सेसफुली हो जाएगा अप्लाई, तो आपको जो है कि 24 घंटे के अंदर या हो सकता है 20 कैशबैक मिल जाता है, 24 सेकेंड में ही आपको कैशबैक 75 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर आप जैसे ही आप जियो का रिचार्ज करेंगे आपको वहाँ पर 25 रुपये मिल जाएगा, यानी कि आप जो कि अमेजन में अकाउंट क्रिएट करके आप 100 रुपीज़ का कैशबैक ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों का अमेजन में अकाउंट है कि नहीं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो कुछ जरूर शेयर करना आप लोग। और अगर आपने ऑलरेडी अपने अकाउंट को वेरीफाई किया, आप सभी के पास पेटीएम बैंक अकाउंट जरूर होगा, तो इस ऑफर को सेम तरीके से आप पेटीएम पेमेंट बैंक में भी अप्लाई करके आप कैशबैक ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं।